नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक और दमदार न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम द स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेपेजॉइडल चैनल दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑन क्रिटिकल फ्लो थ्रू, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं जो चैनल बना है हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो ये खास न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा, मगर ये काफी यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का आया है। तो जितना छोटा लगता है उतना आसान है नहीं ये। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक को चाहे तो परचेज कर सकते हैं। दैट इज वेरी गुड बुक, भले वो केमिकल, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर यूज करता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। अब आपको मालूम है ये न्यूमेरिकल करने का जो हमारा तरीका है दैट इज कि आप लिखिए गिवन डेटा। अगर 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलेंगे गिवन डेटा लिखने में और डायग्राम बनाने में। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है डेटा और डायग्राम से आपको काफी कुछ समझ जाता है। और चलिए हम समझेंगे हमारा ये न्यूमेरिकल अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो आपके लिए मैं पढ़ता हूं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कंप्यूट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो बता दिया है कि जो चैनल है दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल चैनल, तो मैं इसका स्ट्रक्चर तो बना ही देता हूं अभी यहां पे। दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल चैनल। अब एक काम करता हूं, इसको मैं फिल भी कर देता हूं इसके पानी से। ओके तो दिस इज योर, अब ये जो बॉटम है, बॉटम विड्थ है, दिस इज बी, आपने ये दी हुई है। अब इन्होंने पूछा है कि जो पानी की हाइट है वो क्रिटिकल डेप्थ है, तो इस केस में जो पानी की हाइट है मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर डी, डी पानी की हाइट है और वो भी डेप्थ कौन सी, क्रिटिकल, तो डी सी लिखता हूं। तो हमें ढूंढना है ये डी सी, चलिए ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके नेक्स्ट, फॉर अ फ्लो ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ट्रेपेजॉइडल चैनल के थ्रू जो फ्लो रेट दिया हुआ है, यानी कि जो यूनिट है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये होती है फ्लो यानी कि डिस्चार्ज, जिसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू। तो यहां पे लिख देता हूं कि क्यू दिया हुआ है, दिस इज फ्लो रेट, दिस इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हो गया ये। ओके द चैनल बॉटम विड्थ इज 10 मीटर, तो ये जो बी है ये दिया हुआ है, दिस इज 10 मीटर, ये 10.0 थोड़ा सा ऐसा मतलब कंफ्यूजन करने के लिए है, दिस इज 10 मीटर, 10.0 मीटर। ओके साइड स्लोप्स, अब आपको मालूम है कि ये जो चैनल है ये जो इसकी साइड वॉल होती है ये एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि इस एक्सिस के साथ कुछ एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा क्योंकि ये टेढ़ा है, तो इसकी जो साइड स्लोप दी गई है, ठीक है, इसकी जो साइड स्लोप दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल। तो यहां पर लिख देता हूं, आपको याद रखिएगा अगर आप थीटा यहां पर लेते हैं तो ऊपर लिखते वक्त जो स्लोप है वर्टिकल ऊपर रखिए, हॉरिजेंटल नीचे रखिए, ठीक है। ओके तो आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर थीटा यहां पर लेते हैं आप तो ऊपर हॉरिजेंटल आएगा नीचे वर्टिकल आएगा, मगर जो आप चूज करते हैं एक ही चीज फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप थीटा यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो वर्टिकल है ऊपर आएगा, हॉरिजेंटल नीचे आएगा। तो वर्टिकल क्या है, यहां पे 1 है, देयरफॉर 1 वर्टिकल अपॉन 2 हॉरिजॉन्टल। अब आपको मालूम है स्लोप क्या होती है, टैन थीटा, तो देयरफॉर दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर हो गया। ओके अब क्या बोला गया है, द बॉटम स्लोप इज नेग्लिजिबल। ओके जो बेड की स्लोप है वो नेग्लिजिबल है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अब हम करेंगे हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी कि आई जो है जिस ग्रेविटी की वजह से आपका फ्लो जो होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होता है बेड का स्लोप, वो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब है मगर वो बहुत कम है, इसलिए हम निग्लेक्ट कर देते हैं आपके आई को, आई इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ बेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको नेमिंग कर देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ये पॉइंट हम सी अंदर लिखते हैं, ये वाला पॉइंट हम डी बाहर लिखते हैं, और ये जो पॉइंट है, ओके दिस इज योर ई पॉइंट। ओके अब एक काम करता है, ये जो 10 मीटर है ये थोड़ा सा अलग लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा फ्री होके, मतलब एकदम ताकि एकदम कुछ ऐसा ना लगे, दिस इज 10 मीटर। अब आपको मालूम है सी से लेके ई, आप हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में देखिए, हमने यहां पे लिखा हुआ दैट दिस इज योर एन डी, सी ई क्या है हमारा एन डी ए, तो ठीक है अगर ये सी ई एन डी है तो यहां पे भी डेफिनेटली कुछ होगा, यानी कि ऐसे, ये मेरा ऐसा बताने का मतलब। तो मेरे बाकी भी न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, पाविका फ्लूइड सीरीज में जाके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में कम से कम 30 से 32 वीडियोज हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स, आपको सारे मिल जाएंगे, हाइड्रोलिक जंप, then gradually varying flow, then rapidly varying flow, then your chassis formula, everything you'll get, specific energies related chapters hain, then your open flow in means uniform flow in open channels se related hai, circular channel, triangular channel se related numericals hai. Okay, so therefore this is also nd, clear ho gaya. Sabse pehle hum kya karenge, n ki value nikal lenge, n jo hai aapki slope hai, theek hai, aapki side
वॉल की विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो अब आपको मालूम है दैट स्लोप इक्वल टू दिस. तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो थीटा, थीटा के अपोजिट हमेशा याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर होता है, यानी कि DE परपेंडिकुलर है. और DE क्या है, हाइट पानी की, और वो है DC. सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं स्लोप, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये टैन थीटा होती है. ओके, दिस इज, यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज टैन थीटा. ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है, आपकी पानी की हाइट, देयरफॉर दिस इज DC. ओके, एंड बेस, बेस क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के अपोजिट जो DC होता है यानी कि CD, वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस डेफिनेटली CE होगा, CE. ओके, अब ये तो मालूम है कि ये जो स्लोप है 1/2 के बराबर है, तो यहां पे लिख दूंगा 1/2. याद रखिएगा अगर थीटा यहां पे ले रहे हैं तो ऊपर वर्टिकल की वैल्यू आएगी, नीचे आपकी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आएगी. ठीक है, सो देयरफॉर अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं. देयरफॉर DC मींस, ये DC जो है ये DC नहीं है, स्मॉल DC एक्चुअली C बेस पर है. This is critical height, ठीक है, तो this is twice DC equal to CE. मगर आपको मालूम है CE तो ND के भी बराबर है, CE आपके ND के भी बराबर है. तो from 1 इसको 1 कर दीजिए, this is 2. Okay, from 1 and 2 we can write that ND equal to twice DC. Okay, अब एक चीज, अब ये जो D यहां पर मैंने लगाया हुआ है, D, ठीक है, ये एक्चुअली हाइट क्या है, इस क्वेश्चन में हाइट क्या है, वो आपकी क्रिटिकल हाइट है, तो ये भी DC के ही बराबर होंगे. ठीक है, तो यहां पर भी मैं DC लिख देता हूं, देयरफॉर DC DC गेट कैंसिल, तो n इक्वल टू 2. तो ये जो आया है फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं, n इक्वल टू d, सॉरी n इक्वल टू 2. ओके, तो ये जो स्लोप आई है वो आई है आपकी 2. फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल हाइट. ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिए, हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है जो स्पेसिफिक एनर्जी का है, दिस इज एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2g. अभी कई क्वेश्चनों में आपको हाइट डी नजर आएगी, ठीक है, कई क्वेश्चनों में ये हाइट एच नजर आएगी, तो आपको ज्यादा मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा, यहां पे डीसी जो है मैं एच सी के बराबर ही लिख देता हूं. कई क्वेश्चनों में आपको, कई बुकों में ये पानी की हाइट डीसी नजर आती है, कई बुकों में एच नजर आती है, तो मैं दोनों को पहले लिख दूं कि दोनों बराबर है. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसी को भी लग सकता है, आपके ट्रेपेजॉइडल चैनल को, आपके रेक्टेंगुलर चैनल को, आपके दिस इज देन ट्राइंगुलर चैनल को, किसी को भी लग सकता है. एक और फॉर्मूला है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का, अगर आप देखेंगे एच प्लस दिस इज योर, याद रखिएगा ये डी जो है यानी कि डीसी, सी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हाइट क्रिटिकल है. ठीक है, H और D सेम ही है, तो अगर मैं H लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, ये H D के ही बराबर है. ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला Q स्क्वायर बाय दिस इज 2GH स्क्वायर. वेट अ मिनट, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. लेट मी वर्क दिस, दिस वन इज नॉट वर्किंग. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले से डिराइव हुआ हुआ फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आया हुआ फॉर्मूला है. मगर ये जो फॉर्मूला निकला है हमारे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एक्चुअली, तो ये ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए वैलिड नहीं है. याद रखिएगा ये वैलिड है आपके किसके लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए. तो अब हम ये यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके, तो अब हम क्या, आपको मालूम है Q इक्वल टू A इंटू V, इस V की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे Q बाय A की. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी फाइनली, E इक्वल टू H, यहां पर डाल दूंगा वैल्यू हमारी किसकी, V की. ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, फ्लो रेट कैन बी रिटन एज, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, Q इक्वल टू A इंटू V. तो दिस इज H प्लस V की जगह मैं क्या लिखूंगा Q, क्योंकि स्क्वायर है तो V को लिखा जा सकता है Q बाय A, तो मैं लिखूंगा Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और जो नीचे बाकी है 2G. क्लियर हो गया, और अच्छे से लिखेंगे स्पेशली हमारे ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए. एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए एक चीज लिखी जा सकती है कि Q स्क्वायर बाय G को लिखा जा सकता है A Q बाय T. एक दो दिन पहले मैंने ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं, शायद कल ही मेरा न्यूमेरिकल आया है, पिछला वीडियोस आप देख सकते हैं. ये जो चीज है ये वैलिड होगी आपके सिर्फ ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए. मैं ये भी बताऊंगा ये कहां से आया था. ठीक है, तो अब आप देखिए, देखिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर बाय जी की जगह पे ए क्यू बाय टी. टी जो है आपकी टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ लिखी जा सकती बी प्लस ट्वाइस एन डी से. यानी देखिए टॉप विड्थ कैसे आई, B प्लस एन डी प्लस एन डी, तो मैं लिख सकता हूं B प्लस ट्वाइस एन डी. ओके, और जो D है वो हमारा C ही है क्योंकि क्रिटिकल हाइट है. ओके, तो Q स्क्वायर बाय G की जगह लिखा जा सकता है A क्यूब बाय T. तो मैं यहां लिखता हूं H प्लस Q स्क्वायर बाय G की जगह मैं क्या लिखूंगा A क्यूब बाय T. तो जो नीचे है पहले, सबसे पहले वो तो लिख ही लेता हूं, दिस इज A स्क्वायर,
और ये 2 भी आगे लगा हुआ है, ओके क्यू स्क्वायर बाय जी की जगह क्या लिखूंगा, ए क्यू बाई टी, यहां पे लिखा है क्यू स्क्वायर बाय जी इक्वल टू ए क्यू बाई टी, इसको लिख दूंगा ए क्यू बाई टी। अब ये ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, ई इक्वल टू एच प्लस दिस इज ए अपॉन टू टी। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये जो ए है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है फ्लो के लिए, यानी कि वो वाला एरिया जो यूटिलाइज किया जाता है फ्लूइड द्वारा बहने के लिए, और ये जो है ये टॉप विड्थ है, ठीक है। हमें क्या बोला था ढूंढने के लिए, हाइट, वो भी क्रिटिकल हाइट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दी कि वो हमें क्रिटिकल हाइट ढूंढनी है, हमें सिर्फ हाइट ढूंढनी है। तो क्या आपको ये जो एच है ये तो डी के बराबर ही है, ठीक है, ओके। अगर क्रिटिकल हाइट है तो काम करता हूं मैं इसको एच सी बना देता हूं, कोई कंफ्यूजन, ओके। अब आप देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का एरिया लिखा जा सकता है बी प्लस एन डी इंटू डी, ओके। अब आपको मालूम है हाइट क्रिटिकल है, यहां पर डी सी कर देता हूं, ठीक है, ओके। टी की वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो अगर आप थोड़ा गौर करेंगे ये क्या, हमें अगर हमें एच सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी सी, डी सी इज नथिंग बट योर एच सी। ये तो पानी की हाइट ही है क्रिटिकल, ये भी पानी की हाइट है, तो दोनों तो बराबर है। मैंने सिर्फ दोनों को इसलिए लिखा है ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो, कई बुकों में ये हाइट पानी की एच सी देते हैं, यानी कि एच देते हैं, कई बुकों में डी देते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आपको एच सी ढूंढना है, ठीक है, तो आपको कैसे ढूंढना है, एच सी हमें मालूम नहीं है, तो हमें ई भी नहीं मालूम है, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे एरिया, एरिया किससे बना हुआ है आपका, इससे बी मालूम है, बी टेन दिया हुआ है, एन, एन तो अभी अभी हमने निकाला टू है, डीसी तो इधर जो एरिया है वो भी डीसी से कनेक्टेड है, आप टॉप विड्थ देखेंगे बी है, एन की वैल्यू मालूम है डीसी। तो यहां पर हमारे पास दो पैरामीटर है जो नहीं मालूम है, तो ना ही हमें डीसी मालूम है, ना ही हमें क्या मालूम नहीं है, ई मालूम है, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी, तो हम कैसे डीसी निकालेंगे या फिर एच सी निकालेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था, ये सिर्फ इतना बताने का मतलब, ये इक्वेशन को भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा क्रिटिकल हाइट निकालने के लिए, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा समझना कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रूड नंबर कैसे लिखा जा सकता है, अब आपको मालूम है कि हाइट अगर क्रिटिकल है तो फ्रूड नंबर 1 होता है। अब फ्रूड नंबर लिखा जा सकता है, जनरली फ्रूड नंबर कोई भी सेक्शन के लिए, ठीक है, लिखा जा सकता है v अपॉन अंडर रूट जी एच, ठीक है, ओके। एक और चीज है फ्रूड नंबर, और भी एक और अच्छे से लिखा जा सकता है, ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए खास मैं आपको बता रहा हूं, ये तो जनरल फ्रूड नंबर है, ठीक है। फ्रूड नंबर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये याद रखिएगा, ये वैलिड होगा आपके सिर्फ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। दिस फ्रूड नंबर इज कमिंग आउट टू बी क्यू स्क्वायर बाई टी अपॉन जी ए क्यूब। तो फिलहाल मैं ये फ्रूड नंबर तो मिटा देता हूं, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फ्रूड नंबर का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर बाई टी अपॉन जी अपॉन ए क्यूब, जहां पर ए क्यूब है यानी कि ए जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, वो वाला एरिया जो फ्लूइड यूज करता है बहने के लिए। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी आपकी टॉप विड्थ है यानी कि बी प्लस ट्वाइस एन डी सी, डी सी इसलिए लगा है क्योंकि हाइट क्रिटिकल है, क्यू आपका फ्लो रेट है, ठीक है। अब आपको मालूम है क्रिटिकल फ्लो है तो दैट मीन्स आपका फ्रूड नंबर 1 हो जाएगा, तो ये फ्रूड नंबर की जगह 1 लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ओके। दिस इज क्यू स्क्वायर बाय टी जी ए क्यूब। अगर आप देखेंगे ये जो चीज मैंने बताई थी आपको, ये हमेशा याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। अब इसी इक्वेशन पे हम आ जाएंगे फाइनली, तो अब क्या करेंगे, दिस इज 1, ओके, इसको मैं भेज देता हूं, एक काम करता हूं, ये तो 1 ही आएगा, देयरफॉर 1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टी अपॉन जी ए क्यूब। ये इसीलिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, मगर है थोड़ा सा क्रिटिकल है कि हमें क्या करना है, ठीक है। फाइनली ये जो ए क्यूब यहां ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं यहां पर, और ये जो टी है इसको यहां पे ले लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, देखिए, तो दिस इज योर क्यू स्क्वायर बाय जी, और ये ए क्यूब यहां पर आ जाता है, दिस इज योर ए क्यूब, ओके, ये टी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये वही इक्वेशन हो गई जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी। जब भी आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में अगर क्रिटिकल फ्लो से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल निकालें, तो मतलब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के केस में ये वैलिड होता है। अगर बता दिया जाता है कि आपका फ्लो क्रिटिकल है तो आपको ये फ्रूड नंबर यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रूड नंबर 1 रहा, 1 होने की वजह से ए क्यूब यहां ले लिया, टी मैंने नीचे ले लिया, अब इसी वजह से आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय जी को ए क्यूब बाय टी। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइनली अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को यूज करूंगा हमारी न्यूमेरिकल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देयरफॉर फॉर अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय जी। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, ये तो वही चीज है जो मैंने लिखा था, ओके। अब आपको मालूम है
ए क्यूब, ए क्यूब का है, ट्रेपेज़ॉइडल का एरिया जो होता है बी प्लस एन डी इंटू डी होता है, ठीक है। अब हाइट क्रिटिकल है इसलिए डीसी डीसी लगा देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले मैं ए क्यूब की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, बी अब एरिया की वैल्यू पुट करनी, ऊपर क्यूब है तो ये फॉर्मूला है हमारा ए का, तो ये क्या है बी, बी क्या है हमारा दिया हुआ दिस इज 10, ओके प्लस एन, एन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली हुई है दिस इज 2 इंटू डीसी, डीसी की हमें वैल्यू नहीं मालूम है वही तो ढूंढना है, फाइनली ब्रैकेट क्लोज किया और ये डीसी लिख दिया, क्लियर हो गया। ओके अपॉन टी, टी क्या है हमारा दिस, ये फॉर्मूला है देयरफॉर दिस इज बी क्या है हमारा 10 प्लस 2, ये ब्रैकेट लगा देता हूं 2 इंटू एन, एन की वैल्यू भी हमारी 2 है, ओके यहां पे डीसी है देयरफॉर डीसी मैंने यहां पे लगाया, ओके ये हो गया हमारा, ओके ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो 2 इंटू एन इंटू डीसी, ओके ये हो गया हमारा, ओके इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है हमारा 30, इसकी स्क्वायर कर दीजिए, ओके जी क्या हमारा 9.81। अगर और अच्छे से मैं लिखूंगा सेम चीज लिखने वाला हूं, बाकी कुछ नहीं करने वाला हूं, 10 प्लस 2 इंटू डीसी इंटू बिग ब्रैकेट डीसी अपॉन 10 प्लस 2 इंटू 2 इंटू डीसी ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट लगाया इक्वल टू, इसको अगर मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 91.743, क्लियर हो गया। ओके तो अब क्या करना है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना, देखिए अब आप डीसी डीसी पूरी इक्वेशन में सिर्फ डीसी रह गया है, तो इससे बेटर है कि आप डीसी निकालें, ये थोड़ी इक्वेशन थोड़ी सी क्रिटिकल दिखती है। हाँ एक चीज रह गई कि हमारे यहां पे क्यूब भी था, कहने का मतलब अब मेरे को क्यूब भी लगाना है यहां पे, ओके ये मैं फिलहाल मिटा देता हूं। ओके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आपको मालूम है पानी की हाइट ज्यादातर आपने अभी तक जो भी फॉर्मुलेस निकाले हैं कहां तक वेरी होती है, 0.5 मीटर से लेके आपकी 2.5 या 3 मीटर तक वेरी होती है, 0.5 से आंसर स्टार्ट कीजिए। ओके अब क्या होगा, राइट हैंड साइड में आपको 91.743 की वैल्यू मिल रही है, अब डीसी की वैल्यू जैसे ही करेक्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली आपको 91.743 मिलेगी, जो बराबर हो जाएगी आपके राइट हैंड साइड से 91.473। तो वो डीसी की वैल्यू क्या होगी, तो हमने डीसी की जो वैल्यू है यानी कि क्रिटिकल हाइट जो है वो निकाली है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से, दिस इज कमिंग आउट टू बी वेट अ मिनट, दिस इज पेज थोड़ा सा फट गया है, वेट वेट लेट मी चेक, होल्ड फॉर अ व्हाइल, यस तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.91 मीटर। अगर यहां पे आप डीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 91.85 समथिंग आ रहा है और आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो दैट मींस दिस इज योर क्रिटिकल हाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आप ऐसे ही सॉल्यूशंस चाहते हैं या कुछ वीडियोस चाहते हैं, कुछ सुझाव होंगे तो जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।